सो फाइनली भाई ऑलमोस्ट 2 हफ्तों के बाद मैं रियलमी 9 SE के नए अपडेट के ऊपर वीडियो बना पा रहा हूँ। एंड रीज़न बहुत ही सिंपल है, मैं बहुत ज़्यादा बिजी चल रहा था एंड मेरे एग्जाम्स वगैरह भी आने वाले हैं, तो उनकी वजह से मुझे और भी ज़्यादा टाइम नहीं मिल पा रहा था। बट स्टिल आज समहाउ मैंने थोड़ा सा टाइम निकाला एंड मैं फाइनली भाई अपने जो अपडेट है उसके ऊपर वीडियो बना पा रहा हूँ। एंड एक और रीज़न ये भी था कि मुझे अपडेट बहुत ज़्यादा बाद में रिसीव हुआ था, ऑलमोस्ट 10 तारीख के आसपास मुझे ये वाले अपडेट जो है रिसीव हुआ। एंड उसके बाद अगर मैं 10 तारीख को ही वीडियो बना देता तो वीडियो का सेंस ही नहीं बनता, क्योंकि मैंने अपने फोन को यूज़ किया भी नहीं था। दैट्स व्हाई मैंने सोचा कि भाई 1-2 हफ्ते आराम से फोन को यूज करते हैं, उसके बाद हम लोग जो है अपडेट के रिव्यू की वीडियो आराम से बनाएंगे। एंड मैंने अगेन अपने फोन को अच्छा खासा यूज किया इस 1-1.5 हफ्ते के आसपास के टाइम में, गेमिंग वगैरह करी, एडिटिंग वगैरह करी, सब कुछ कर। कैसा मेरा एक्सपीरियंस रहा सब कुछ मैं आप लोगों के साथ डिटेल में शेयर करने वाला हूं, सो वीडियो में लास्ट तक के बने रहना। सो चलो फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। अब अगर हम लोग अपडेट के बारे में डिटेल में बात करें तो 584 MB के आसपास का आप लोग को ये वाला अपडेट देखने को मिल रहा है। एंड इसका भी नेम आप लोग को पुराना वाला ही 13.1.0.EX01 ही देखने को मिल रहा है। बेसिकली ये वाला अपडेट हमारा दिसंबर का सिक्योरिटी पैच अपडेट है, दिसंबर 2023 का। एंड लिटरली भाई मुझे ये वाला अपडेट जो है 10 जनवरी को रिसीव हुआ 2024 में। रीजन बिंग सिंपल कि मेरा फोन बहुत ज्यादा पुराना है, मैंने बहुत ज्यादा पहले फोन परचेज कर लिया था। अब इस अपडेट में इंप्रूवमेंट वगैरह के बारे में बात कर ले तो इन लोगों ने जो सिस्टम की स्टेबिलिटी को अगेन इंप्रूव करने में बात करी, लेकिन इन लोगों ने इस बार ऑलरेडी मेंशन कर दिया कि कुछ स्पेसिफिक एरियाज में ही आप लोग को इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। एंड देखो भाई अगर आप लोगों ने 13.1.0.EX01 के पिछले सारे अपडेट कर रखे थे पिछली बार वाले अपडेट तक के, तब अगर आप लोग इस वाले अपडेट को करते हो तो आप लोग को डेफिनेटली थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट फील होगा पहले के मुकाबले। स्पेशली गेमिंग के कंपैरिजन अगर आप लोग करो पहले के मुकाबले तो गेमिंग परफॉर्मेंस आप लोग को बहुत ज्यादा बेटर देखने को मिल रही है। एंड अगर आप लोगों ने 13.1.0 वाले अपडेट्स में से एक भी अपडेट नहीं कर रखा है अभी तक के तो बहुत ही ज्यादा बढ़िया है, आप लोग करो भी मत, क्योंकि इस फोन के अंदर 13 सीरीज के सारे अपडेट आप लोग को बेकार देखने को मिले हैं। अब अगर गेमिंग के बारे में ही डिटेल में डिस्कस कर ले तो गेमिंग परफॉर्मेंस फोन का डेफिनेटली इंप्रूव हुआ है। प्रीवियस अपडेट में जब मैं इस वाले फोन को यूज कर रहा था हमारे नए वाले इवेंट के अंदर, स्पेशली स्नो विलेज में, सो प्रीवियस अपडेट में लैंडिंग के बाद मेरा फोन 1 मिनट तक के लगातार लैग करता था एंड FPS जो मुझे मिलते थे वो 30 FPS के आसपास ही मेरे रहते थे। एंड कभी कभी तो भाई FPS स्टक वाली प्रॉब्लम भी मुझे देखने को मिलती थी, जिसमें मेरे FPS जो रहते थे वो कंटिन्यूसली 18-19 में स्टक हो जाते थे एंड उसके बाद मेरे FPS फ्लक्चुएट भी नहीं होते थे। एंड हद तो तब हो गई थी भाई जब एक स्क्वाड आप लोग के बाजू से जा रही है, सिर्फ उसमें 4 बंदे हैं एंड उसी से आपका फोन ऐसा लैग करने लग जाए कि आप लोग अगेन स्नो विलेज में फिर से उतर गए हो। सो इस टाइप की चीजें मुझे प्रीवियस अपडेट के बाद फेस करने को पड़ रही थी थोड़ी बहुत अपने फोन के अंदर, बट इस वाले अपडेट के बाद बहुत ज्यादा फोन की परफॉर्मेंस में इंप्रूवमेंट है। इवेंट वगैरह फोन अच्छे से हैंडल कर ले रहा है, आप लोग को एज सच कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिल रही एंड थोड़ा बहुत आप लोग को लैग जो है इवेंट में देखने को मिलेगा, लेकिन इवेंट के बाद अगर आप लोग बाहर आप लोग का नॉर्मल गेम प्ले करो तो उसमें आप लोग को लैग वगैरह देखने को नहीं मिलेगा। फिर चाहे आप लोग कोचिंग ही उतर जाओ या फिर आप लोग अपार्टमेंट वगैरह कहीं पे भी उतर सकते हो, आप लोग को लैग वगैरह उतना ज्यादा देखने को नहीं मिलता है फिर। एंड बाकी फोन की ओवरऑल परफॉर्मेंस तो आप लोग को सेम ही देखने को मिल रही है, फोन का कैमरा एकदम बिल्कुल पहले जैसा परफॉर्म कर रहा है, वीडियो कैमरा वगैरह सब कुछ एकदम सेम परफॉर्म कर रहा है, फोन का डिस्प्ले भी सेम है। नेटवर्क के थोड़े बहुत इश्यूज मुझे थोड़े ज्यादा फेस करने को पड़ रहा है इस वाले अपडेट के बाद से। एंड बेसिकली मैं जहां पे रहता था उसे भी मैंने शिफ्ट किया है अपनी प्लेस, तो इस वजह से भी ये वाली चीज हो सकती है एंड उतने ज्यादा इश्यूज नहीं है, क्योंकि भाई नेटवर्क हमारा जो एरिया पे बहुत ज्यादा डिपेंड करता है तो मैं फोन को ब्लेम कर भी नहीं सकता इस वाली चीज के लिए। बेसिकली थोड़े बहुत मुझे पिंग हाई देखने को मिल रहा है पहले के मुकाबले, लेकिन स्टिल समहाउ मैं मैनेज कर ले रहा हूं क्योंकि नेटवर्क की ही प्रॉब्लम है, सो आप कुछ ना कुछ ट्रिक्स वगैरह लगा के इसे मैनेज कर सकते हो। देन अगर हम लोग बैटरी और चार्जिंग वगैरह के बारे में भी बात कर ले तो वो भी आप लोग को सेम ही देखने को मिल रहा है, आप लोग को एज सच कोई भी डिफरेंस पहले के मुकाबले देखने को नहीं मिल रहा है। अब हम लोग फाइनली बात कर लेते हैं कुछ प्रॉब्लम्स की जो कि आप लोग को इस वाले अपडेट के बाद फेस करने को पड़ सकती है। तो इस वाले अपडेट के बाद आप लोग को एज सच कोई मेजर प्रॉब्लम देखने को नहीं मिल रही है, कोई भी आप लोग को बग वगैरह देखने को नहीं मिल रहा या फिर आप लोग को स्क्रीन फ्लिकरिंग टाइप की प्रॉब्लम बिल्कुल भी देखने को नहीं मिल रही है। प्लस हमारी जो गेम क्रैश वाली प्रॉब्लम देखने को मिल रही थी आप लोग को पिछले वाले अपडेट में, वो भी अभी फिक्स हो गई है पूरी तरीके से। एंड इस अपडेट को करने के बाद अभी तक के मेरा फोन एक भी बार क्रैश नहीं हुआ है, जो कि बहुत ही ज्यादा बढ़िया बात है। बट एक प्रॉब्लम मुझे फेस करने को पड़ी जो कि अगेन आप लोग को इस वाले फोन में शुरू से ही देखने को मिल रही है, लेकिन इस वाले अपडेट के बाद से मुझे ऐसा फील हुआ कि भाई थोड़ी सी और ज्यादा बढ़ गई है ये वाली प्रॉब्लम, जो कि है हमारी हीटिंग वाली प्रॉब्लम। एंड अभी के टाइम पे भाई ठंड का सीजन चल रहा है, स्टिल मुझे फोन में हीटिंग फील हो रही है और ये चीज बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। अब हीटिंग के लिए हम लोग इस वाले फोन में कुछ कह भी नहीं सकते क्योंकि ये वाले फोन में हमें शुरू से ही हीटिंग देखने को मिली है, लेकिन स्टिल पिछले साल जब मैं इस वाले फोन को यूज कर रहा था तो ठंड के टाइम पे फोन हीट बिल्कुल नहीं करता था, बट इस साल फोन हीट बहुत ज्यादा कर रहा है इवन ठंड में भी। एंड इसीलिए भाई मैंने इस वाले फोन के लिए कूलर भी परचेस किया ताकि मैं इस वाले फोन की हीटिंग को कंट्रोल में रख सकूं एंड कूलर मेरा बहुत ही ज्यादा अच्छे से वर्क कर रहा है, हीटिंग बहुत ही अच्छे से कंट्रोल कर लेता है। अगर आप लोग को उसके बारे में डिटेल में जानना है तो आप लोग इस वीडियो को देख सकते हो, वहां पे मैंने इस वाले कूलर के बारे में आप लोग को डिटेल में बता रखा है।
सो बेसिकली मेरा कहने का मतलब ये है कि फ़ोन हीट कर रहा है, लेकिन अगर आप लोग किसी भी तरीके से हीटिंग को कंट्रोल में रख लेते हो तो फोन की परफॉर्मेंस आप लोग को बहुत ही ज़्यादा बढ़िया देखने को मिलेगी इस वाले अपडेट के बाद। अब फाइनली हम लोग वीडियो के मेन पार्ट पे आ जाते हैं कि आप लोग को अपडेट करना भी चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। सो देखो मेरे अकॉर्डिंगली भाई, अगर आप लोग 13.1.0 के किसी भी अपडेट में हो अभी या फिर आपने प्रीवियसली सारे अपडेट कर रखे तो आप लोग डेफिनेटली इस वाले अपडेट को कर लो, क्योंकि इसके बाद आप लोग को परफॉर्मेंस में इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। बट अगर आप लोग किसी प्रीवियस अपडेट पे हो या फिर आप लोग जो है 13.1.0 पे अभी तक के नहीं पहुंचे हो, उस केस में मैं आप लोग को बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप लोग अपडेट अपने फोन को करो, क्योंकि जितना ज्यादा आप लोग अपने प्रीवियस अपडेट में रहोगे उतना ही ज्यादा आप लोग को अपने फोन की परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। एंड ये चीज हर एक एंड्रॉइड फोन के लिए ट्रू है, इवन आईफोन्स में भी ये वाली चीज ट्रू है भाई। एंड एक और बहुत ही ज्यादा कॉमन क्वेश्चन जो कि मेरी ऑलमोस्ट सभी वीडियोस में मुझसे पूछा जाता है कि क्या हमें अभी भी रियलमी 9 SE को 2024 में परचेस करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। सो इसका आंसर मैं वही दूंगा जो कि मैंने अपने 6-7 महीने पुराने वीडियो में कहा था कि भाई अगर ये वाला फोन आप लोग को 15-16 हज़ार के अंदर देखने को कहीं पे भी मिल जाता है, ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, तो आप लोग डेफिनेटली इस वाले फोन को अभी भी परचेस कर सकते हो। ये फोन आप लोग को अभी भी वैल्यू प्रोवाइड कर देगा, बट क्योंकि फोन कहीं पे भी अवेलेबल नहीं है, ऑनलाइन भी एक दो आप लोग को आलतू फालतू साइट्स में अवेलेबल देखने को मिल जाता है लेकिन फ्लिपकार्ट अमेजोन जैसी साइट्स में देखने को नहीं मिलता है, प्लस ऑफलाइन तो ये वाला फोन पहले भी उतना ज्यादा पॉपुलर नहीं हो पाया था, इसलिए अभी भी ये वाला फोन आप लोग को ऑफलाइन मिलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। तो अगर मिलता है तो आप लोग डेफिनेटली बाय कर सकते हो, नहीं मिलता है तो आप लोग दूसरे फोन के साथ जा सकते हो। बाकी अभी अभी मैंने एक नया डिवाइस परचेस किया है जिसके बारे में आप लोग को पता चल गया, मैंने कम्युनिटी पोस्ट में पोस्ट कर दिया था फोन को। एंड उसी के बाद आप में से बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे कि भाई अब रियलमी 9 SE का क्या होने वाला है। तो देखो रियलमी 9 SE का कुछ भी नहीं होने वाला, ये वाला फोन अभी भी मेरी बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। मैं अपनी एडिटिंग या फिर वीडियो वगैरह सब कुछ इसी से बनाने वाला हूँ। अपने iPhone 13 का यूज मैं सिर्फ और सिर्फ गेम प्ले करने के लिए ही करने वाला हूँ। तो अगर आप लोग एक रियलमी 9 SE यूजर हो या फिर आप लोग रियलमी 9 SE की वजह से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखे हो तो आप लोग को डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, रियलमी 9 SE के ऊपर आप लोग को वीडियोस फ्यूचर में भी मिलते रहेंगे। सो आज के लिए इतना ही, आई होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी। एंड अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो आप लोग लाइक सब्सक्राइब शेयर तीनों चीजें डेफिनेटली कर सकते हो। एंड अगर आप लोग का कोई डाउट रह जाता है तो आप लोग डेफिनेटली कमेंट भी कर सकते हो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।